सभी जन को मेरा राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर CBSE अपडेट्स में, जहाँ मैं आपको बताती रहती हूँ कि CBSE अपनी वेबसाइट पर क्या कुछ नए अपडेट्स कर रहा है, टीचर्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में, वर्कशॉप्स के बारे में और भी ढेर सारी स्टूडेंट एक्टिविटीज़, स्कूल मैनेजमेंट और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है मेरे वीडियोज़ पर, आप जाकर देख सकते हैं। तो और आप कर रहे हैं मुझे ढेर सारा सपोर्ट, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं आपका फेवरेट वीडियो, जिसमें सबसे ज़्यादा शायद आप लोग मुझे पसंद करते हैं, वो लेकर आई हूँ एक और टीचर ट्रेनिंग के बारे में, जो कि होने वाली है डेवलपिंग ई कंटेंट, जो कि करवा रहा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी CIET एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और बाकी डिटेल्स आपको मिलेंगी आगे वाले वीडियो में, तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, क्योंकि उनका ये जो अपडेट है वो 24 जुलाई को ही आया था और फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग भी 24 जुलाई को ही था, तो इसीलिए मैंने जो प्रोसेस है पूरा, मतलब उससे निपटने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, वीडियो की जो प्रीवियस डे का वीडियो है उसकी लिंक कहाँ मिलेगी, कौन सी लिंक से आपको कहाँ जाना है, वो सारी चीज़ें उसमें बताई, तो पूरा बिना स्किप कीजिए देखिएगा। और चलिए चलते हैं फिर वीडियो में। और राधे राधे जी। हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर और आप जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर CBSE का बिल्कुल लेटेस्ट सर्कुलर, जिसको डेट किया गया है 24 जुलाई को ही, मतलब कल ही इसको डेट किया गया है। और पर मैं आपको इसकी एक विशेषता बता दूं कि डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट इंटरेक्टिव सोर्सेज के ऊपर ये ऑनलाइन ट्रेनिंग है, बिल्कुल फ्री पार्टिसिपेशन है, बिल्कुल फ्री सर्टिफिकेशन है, बस आपको उसको अटेंड करना है। इनका एक छोटा सा पोस्ट सेशन क्विज होगा, उसको आपको देना है और अगर आप उसमें 70% से ऊपर मार्क्स ले आते हैं तो आप जो है सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं। अब क्या करना है, अब आप पूछेंगे कि मैम ये तो कैसे ही, क्योंकि 25 जुलाई जो है वो तो आज है और 24 जुलाई तो है जो वो निकल गई है, तो कोई बात नहीं जी, ये अभी भी आपको उतना जो है दे रहे हैं, इतना लीनियंट ये है, इन्होंने कर रखा है कि अब आप देखिए चलते हैं हम सीधे इसकी वेबसाइट की तरफ, वहाँ पे हम जल्दी से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जान लेते हैं। तो मैं इससे जुड़ी सारी लिंक्स कर दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच, तो जितनी भी लिंक्स मैं आपको इसमें शो करूंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मैं चलती हूँ आपको इसकी वेबसाइट पर। तो वेबसाइट पर जैसे ही हम गए तो CIET सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के द्वारा ट्रेनिंग कराई जाइए, ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट इंटरेक्टिव रिसोर्सेज, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक ये ट्रेनिंग होगी, 24 से लेकर 28 जुलाई के बीच में होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा दिया भी हुआ है, 4 से 5 बजे तक होगी, 24 से 28 जुलाई के बीच में होगी। तो जी कोई बात नहीं, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा। जो आपका निकल चुका है एक दिन, उसका वीडियो का लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। इस वेबसाइट को भी मैं क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आप अगर चले कि पार्टिसिपेट आपको कैसे करना है, तो आप इस फॉर्म पर क्लिक कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये। अब आप सोचेंगे कि इस पर क्लिक नहीं हो रहा है, तो क्लिक करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ मैं, ये कॉपी भी नहीं हो रहा है, चलो जी कोई बात नहीं, मैं इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ और फिर सीधे हम चलते हैं गूगल की तरफ। इसका मैंने इस तरीके से स्क्रीनशॉट लिया और अब मैं जाऊंगी अपने गूगल पे और इमेज सर्च कर लेंगे हम लोग। ये देखिए इस तरीके से, ये जो इमेज का आता है ऑप्शन, यहाँ पर आप जाइए इमेज सर्च कीजिए और सीधे इस QR कोड को कीजिए और इस तरीके से, और फिर यहाँ पे सर्च कर दीजिए आप इसे, और कुछ इस तरीके से आपके पास जो है इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है, ये देखिए अब मेरे मोबाइल पर खुल चुका है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट इंटरेक्टिव रिसोर्सेज। अब मैं इसको पूरा भर दूंगी और इस तरीके से जो है मेरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सबमिट करने के बाद अब जो है हमारे पास नया और नेक्स्ट स्टेप है वो आता है कि अब हम करेंगे क्या। तो लाइव स्ट्रीम सबसे पहले आप देखिए 4 से 5 बजे तक, ये है इसका ऑफिशियल पेज, इस ऑफिशियल पेज को भी मैं ग्रुप में, मतलब सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूंगी अटैच, तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगर आप कहेंगे उसके बाद क्या स्टेप है मैम, तो 24 से 28 जुलाई की जैसे ही आप पूरी जो है पार्टिसिपेशन उसमें कर लेते हैं, उन पूरी वीडियोस को देख लेते हैं, उसके बाद 28 तारीख को शाम को 6 बजे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 तारीख को शाम को 6 बजे वहाँ पर जो है पोस्ट की जाएगी क्विज़ की लिंक, है ना। तो क्विज़ की लिंक जो है वो आपको दी जाएगी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, उसमें अगर आप 70% से अबव स्कोर कर लेते हैं तो आपको एक बढ़िया सा चमचमाता हुआ सर्टिफिकेट एक और ऑनलाइन ट्रेनिंग का आपके जो एकेडमिक प्रोफाइल है उसमें लगा देगा 4 चांद। इसके बाद सर्टिफिकेट जो ओपनिंग डेट है, असेसमेंट की ओपनिंग डेट है वो 28 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक चलेगी, मतलब 28 जुलाई से लेकर 6 अगस्त के बीच में आप असेसमेंट पूरा करके इसको सबमिट कर सकते हो। पर उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, विल रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन देयर रजिस्टर्ड मेल आई डी विद इन 30 डेज ऑफ टेकिंग पोस्ट सेशन क्विज। मतलब जैसे कि अगर मैंने क्विज को 28 जुलाई को सॉल्व कर लिया और सबमिट कर दिया, उसके 30 डेज के अंदर अंदर मेरे पास सर्टिफिकेशन आ जाएगा अगर आना होगा तो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बहुत अच्छा पेपर गया था या पेपर आपका बिल्कुल सही था, इतने इतने मार्क्स थे, 70% से ऊपर थे, फिर भी आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो इन दैट केस 30 दिन के बाद ही, मतलब 6 सितंबर के बाद ही आपको मेल भेजना है सर्टिफिकेट इशू से रिलेटेड। मेल कहाँ भेजना है वो आपको इस आईडी पर भेजना है, इस आईडी को भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, तो वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। उसके बाद कुछ नहीं जी, आपको ये वापस इसी वेबसाइट पर आना है और एक ये जो फीडबैक फॉर्म है
वहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको फीडबैक फॉर्म जमा कर देना है और इस तरीके से आप जो है आराम से पार्टिसिपेशन और सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। इतना झमेला कि आप बार बार इस वेबसाइट पर आएंगे और इस वेबसाइट से चेक करेंगे, बेटर है कि आप मेरे वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। सारी डिटेल्स मैंने इसमें प्रोवाइड की हैं, सारी लिंक्स मैं इसमें प्रोवाइड करूँगी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, राधे राधे।